मंच पर विराजमान भद्रजनों और मेरे बंधुओं, हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपका प्यारा सा लेक्चर क्वांटम केमिस्ट्री। ओके, लेट मी स्टार्ट। सो माइसेल्फ आर के राजपूत एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री। और आज हम आपके लिए फिर से लेके आएंगे क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में हम SHO पढ़ रहे हैं। आई थिंक आप लोग तो भूल गए होंगे, ये लेक्चर 4 लेक्चर है, ठीक है ना, ये लेक्चर 4 है। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, इससे पहले लेक्चर में मैंने एक्स एवरेज कैलकुलेट किया था, पीएक्स एवरेज कैलकुलेट किया था, फिर मैंने एनर्जी कैलकुलेट की थी, वहां पे मैंने विरल थ्योरम पढ़ी थी, जैसे वो क्या है, टू टी बीवी। बी क्या था वहां पे, बी था आपका जो वेरिएबल है पोटेंशियल एनर्जी में, उसका पावर होता है, ठीक है ना, ये या वेरिएशन कहते हैं मुझे। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, उसके बाद मैंने एक्स स्क्वायर का एवरेज पढ़ा था, पी का एवरेज पढ़ा था, और उससे फिर मैंने अनसर्टेनिटी को, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को मैंने उखाड़ के फेंक दिया था। मैंने क्या कहा था, बहुत ही अच्छी चीज निकाली थी, तो ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी था वो H/4 के इक्वल हो गया था, ठीक है ना। तो ये मैंने कैलकुलेट किया था और उसके बाद मैंने लेक्चर खत्म कर दिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आप बस फाड़ दोगे, क्वांटम को फाड़ दोगे। बहुत ही अच्छा चीज लेके आऊँ, बहुत ही बेस्ट चीज लेके आऊँ, ठीक है ना। कहते हैं ना, छोटे बड़ा का धमाका, और कहा करते हैं कि इसको लगा डाला तो लाइट बना डाला, इसको लगा डाला तो लाइट बना डाला। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एनर्जी लेवल बता देता हूँ, एनर्जी लेवल बता देता हूँ। देखो कैसा बना डायग्राम जी, ये सब एक्साइटेशन का नतीजा है। सो कुछ एनर्जी डायग्राम में मैं आपको पहले कुछ लेवल्स बना के दिखा देता हूँ। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड और थर्ड, बहुत एग्जाम तो काफी है। ग्राउंड स्टेट कैसा आता है, नो नोड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यहाँ से स्टार्ट और जीरो पे नोड, ये यहाँ से स्टार्ट और जीरो पे कोई नोड नहीं होगा, और ये यहाँ से स्टार्ट, एक यहाँ नोड, एक जीरो पे नोड, एक यहाँ, ये ऐसे चल जाएगा, ठीक है ना। जो ओड वाले हैं देख रहे हो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं, इवन वाले ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं। ओड वाले सबसे खास चीज है, ओड वाले जीरो पे काट रहे हैं, ओड वाले जीरो पे काट रहे हैं, बस ये चीज तुझे थोड़ी देर में यूज आएगी, तुझे 10-15 मिनट में ये चीज तेरे काम आएगी, ठीक है ना, बस तू इसे देख ले। ओके, अब तुझे देखना है, अब तुझे देखना है इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑन एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल से पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन कर रहा हूं तो वो एनर्जी लेवल पे किस प्रकार इफेक्ट डालता है, बहुत ही सिंपल है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ एक एग्जांपल से, एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। एग्जांपल ये है कि उसने पोटेंशियल दे दिया एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल दे दिया, भाई अरे माफ किए तो पोटेंशियल होता नहीं, हाँ ये पोटेंशियल नहीं होता, उसने पोटेंशियल में वेरिएशन कर दिया, पोटेंशियल में वेरिएशन कर दिया, पोटेंशियल बढ़ा दिया। कैसे वेरिएशन करा, उसने के को बढ़ा दिया, के को बढ़ा दिया, तुझे पता है क्या होता है, के बढ़ाने से जो जो तेरा स्प्रिंग है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये बोन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, के पैरामीटर फोर्स कांस्टेंट बढ़ने से बोन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, वही काम इसने कर दिया। अब तुझे इस क्वेश्चन में कैसे करना है, अब इस क्वेश्चन में वो तुझसे एनर्जी पूछ सकता है, कुछ भी फिर कुछ भी पूछ सकता है, इस ये देखिए तुझसे कुछ भी पूछ सकता है। चल तू इसे करेगा कैसे, ध्यान से देखना, जो तेरा एक्चुअल पोटेंशियल होता है, जो तेरा एक्चुअल पोटेंशियल होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहां से इसका कंपैरिजन कर इस वाले से, जस्ट इसे तू ओमेगा प्राइम लिख ले, ओमेगा प्राइम, ठीक है ना, और तू इस ओमेगा प्राइम को यहां से डिटरमाइन कर ले इन द फॉर्म ऑफ दिस, मींस इसका कंपैरिजन इससे करके यहां से ओमेगा प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, और वो कहलाएगा तेरा इफेक्टिव ओमेगा, जस्ट कैलकुलेट। सो क्या होगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, और यहां से ओमेगा इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2 ओमेगा, ये तेरा आएगा ओमेगा का वैल्यू, ठीक है, ओमेगा प्राइम का वैल्यू, मींस इसे तो कहता है इफेक्टिव ओमेगा, इफेक्टिव इफेक्टिव एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या तेरा इफेक्टिव एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगा। अब इसे रख के तू सब कुछ कैलकुलेट कर दे, तुझे फॉर्मूला तो पता ही है, एनर्जी का क्या होता है, एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ये होता है ना तेरा, ये फॉर्मूला होता है। चल रख इसे और वहां पे कैलकुलेट कर दे, एन की सॉरी ओमेगा की वैल्यू रखनी है तुझे अंडर रूट 2 ओमेगा, तो रख ले एन प्लस हाफ एच क्रॉस अंडर रूट 2 ओमेगा, ठीक है। अब तू सारी एनर्जी कैलकुलेट कर, ई जीरो कैलकुलेट कर, इसमें जीरो रखेगा तो ये हाफ आएगा,
हाफ आएगा तो क्या देगा, एच अपॉन अंडर रूट टू ओमेगा, या तो कह सकते हैं वन अपॉन रूट टू एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कैलकुलेट करो, ई वन कैलकुलेट करेगा तो तेरा क्या जाएगा यहां से, थ्री बाई रूट टू एच क्रॉस ओमेगा, थ्री बाई टू रूट टू एच क्रॉस ओमेगा। नेक्स्ट टू कैलकुलेट करेगा ई टू तो वो आएगा फाइव बाई रूट टू एच क्रॉस ओमेगा। नेक्स्ट कैलकुलेट करेगा ई थ्री तो वो आएगा सेवन बाई रूट टू एच क्रॉस ओमेगा। बाहर कुत्ते भौंकने लगे तो मुझे थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करना होगा। देख भाई यहाँ पे रात को दो बजे भी कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, अभी थोड़ा शांति हुई है तो चल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देख तुझे आप कितना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो तेरा भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। लाइक ठोक दे, बस लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो, ठीक है, लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो, शेयर कर दो, फाड़ गिरो, ठीक है ना, उस लाइक वाले बटन को, लाइक वाला बटन जो भी है जैसे भी बनते, लाइक वाले बटन को शेयर कर, लाइक वाले बटन को फोड़ दे आज, बस दबा दबा दे, ओके लेट स्टार्ट। फिर भौंकने लगे कुत्ते, ठीक है ना, फिर भौंकने लगे तो लाइक नहीं कर रहा है। तो यहां तक तेरे समझना है, यहां तक तेरे समझना है, तो तू ऐसे एनर्जी इसका निकाल ले, ठीक है ना, जो भी कुछ निकालने को तू वो कर सकता है। बस तुझे क्या करना होगा, जो तेरा नया पोटेंशियल दिया है उसे एक्चुअल पोटेंशियल से कंपेयर करना है, और यहां से इसे ओमेगा प्राइम देख लो, ओमेगा प्राइम की वैल्यू निकालनी है, और उस ओमेगा को तुम्हें पुट करके वहां से वैल्यूज निकाल देनी है, ठीक है। आई होप तेरे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये हम पढ़ रहे हैं जी फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द एनर्जी लेवल, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द एनर्जी लेवल, जिसमें पहला फैक्टर तूने पढ़ा कि तू वेरिएशन कर रहा है इन पोटेंशियल एनर्जी। पहला फैक्टर कौन था, वेरिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन कर रहा है, और वहां पे तू एनर्जी डायग्राम एनर्जी लेवल देख रहा है, ठीक है ना। दूसरा जो फैक्टर है वो है तेरा नेगेटिव पोटेंशियल का। दूसरा फैक्टर क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल। भाई तू नेगेटिव पोटेंशियल ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखो, इस बार पोटेंशियल नेगेटिव है, यानी कि पोटेंशियल यहां पे आएगा, तो पोटेंशियल कुछ तेरा इस टाइप से पोटेंशियल आ रहा है। अब तू ये देख रहा होगा, ये तूने फिगर बहुत सारी जगह देखी होगी, ऑर्गेनिक में बहुत देखी होगी तूने फिगर, तो ये क्या है, जैसे कि तू उसमें पढ़ता है ना, ये तेरा रिएक्टेंट, ये तेरा प्रोडक्ट, ये तेरी ट्रांजिशन स्टेट, ऐसे ही तो तू पढ़ता है, ओके। तो यहां पे ये कोई आप कह सकते हो कि ये कोई बाउंड स्टेट नहीं है, दिस इज नॉट अ बाउंड स्टेट पर दिस इज अ बैरियर, ये क्या है, बैरियर है, ठीक है ना। तो ये बाउंड स्टेट है ही नहीं, बैरियर है, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। इससे वो कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अब तक इसने क्वेश्चन इससे नहीं पूछा है, वो क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है कि तेरा नेगेटिव पोटेंशियल तू लगाता है तो बाउंड स्टेट आती है या क्या आता है, ठीक है ना। तो बैरियर आता है भाई, बैरियर आता है, बाउंड स्टेट नहीं आते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत पड़ता है तू से, ठीक है ना। और तेरा जो थर्ड फैक्टर एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, हाफ रेंज पोटेंशियल मीन्स इस बार जो पोटेंशियल है वो हाफ रेंज पोटेंशियल है। इसमें देख क्या होगा, जो तेरा पूरा होता था ना, ये पूरा वेल बनता था इस टाइप से, इसमें से कुछ बार आधा काट दे रहा है, क्या कर रहा है, आधा काट दे रहा है, और तू कह रहा है कि इधर पोटेंशियल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, और यहां पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है। मींस कहानी में ट्विस्ट आ गया कि इस पॉइंट से इधर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, बट इस पॉइंट से इधर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, पार्टिकल को नहीं पाया जाएगा। या तू इसे ऐसे भी बना सकता है इधर वी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसमें भी तू इसे वेरी कर सकता है, ठीक है ना, इसमें वेरी कर सकता है, वेरिएशन बहुत हो सकते हैं, ठीक है ना, एक बार तेरे समझ में, वेरिएशन बहुत हो सकते हैं। तो तू इसे कैसे डिफाइन करेगा, डिफाइन ऐसे करेगा कि वी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कहां पे है ये, जीरो कह दू, इधर इंफिनिटी कह दू, तो जीरो जब एक्स जीरो से बड़ा है और इंफिनिटी से छोटा है, ये जब है, और v इज इक्वल टू इनफाइनाइट कब है, अदरवाइज v इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, मींस यहां पे तू लिख सकता है v इज इक्वल टू इनफाइनाइट एट जब x माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है और जीरो से छोटा है, यहां पे तू लिख सकता है v इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कब है ये, जब तेरा x
जब तेरा एक्स माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है और जीरो से छोटा है, और इनफाइनाइट अदरवाइज यहाँ पे तेरा इनफाइनाइट है, बस ठीक है ना, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ देख, तुमने बीच में से काटा, ये तुमने मिड पॉइंट से काटा, तो इसमें कोई ओनली वैसे वेव फंक्शन आएंगे जो मिड पॉइंट पे आके नोड बनाते, मिड पॉइंट पे काटते हैं, जैसे कि ग्राउंड स्टेट देख मिड पॉइंट पे नहीं काटेगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिड पॉइंट पे काटेगी, थर्ड यानी कि तेरा साई थ्री काटेगा, ठीक है ना, ऐसे ही तेरा साई फोर काटेगा, तो सॉरी साई फाइव काटेगा, मीन सारे ओड वाले काटेंगे, साई वन साई थ्री साई फाइव साई सेवन साई नाइन साई इलेवन साई थर्टीन साई फिफ्टीन ये सब काटते हैं, तो यहाँ पे ओनली ओड वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। देखो बहुत पत्ते की बात है, बहुत पते की बात है, करोड़ों की बात है, ठीक है ना, बस लाइक ठोक दे सब्सक्राइब कर दे, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दे वस्तु। तो क्या कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ओनली ओड वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, कौन से वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, ओड वेव फंक्शन। तो इसी बात पे तो लाइक ठोक दे, ठीक है ना, शेयर कर दे भाई लोगों के जिससे ये काम आए। तो मैं अगर इन लेवल्स में बात करूं, अगर मैं इन लेवल्स में बात करूं तो साई जीरो एग्जिस्ट करेगा क्या? साई जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी ना, तुझे पता बाउंड्री पे पार्टिकल ही आ जाएगा ना, बाउंड्री पे तो प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, लेकिन तू यहाँ बाउंड्री पे देख रहा है जीरो नहीं है, तो इसमें देख दूसरे में जब दूसरे में ऐसे आएगा यहाँ पे कटेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कटेगा तो बाउंड्री पे जीरो नहीं आएगा, बाउंड्री पे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी आने वाली है, तो बाउंड्री पे तो जीरो आना चाहिए ना, तो इसलिए साई वन एग्जिस्ट करेगा, साई वन, ठीक है ना, कैसे बनता था साई वन, साई वन ऐसे बनता था नीचे से लेके जाता था फिर इधर ऊपर से आता था, देख ऊपर से आ रहा है या ऊपर से नेक्स्ट वाला तेरा साई थ्री, साई थ्री में कितने नोड थे, तीन, एक यहाँ एक बीच में एक यहाँ, तो ये नोड बचेगा, ठीक है ना, नेक्स्ट वाले में दो नोड बचेंगे, नेक्स्ट वाले में तीन नोड बचेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये कुछ ऐसी ऐसी चीज कर सकती है, समझ में आया, ओके। देखो फिर से ग्राउंड स्टेट में इसके भी कोई नोड नहीं है, फर्स्ट में एक नोड है, फिर दो नोड है, फिर तीन नोड है, समझ में आ रहा है ना, अगर एनर्जी देखेगा एनर्जी वही रहेगी, एनर्जी यहाँ पे क्या थी फर्स्ट वाले की 3/2 h+ω, फिर 5/2, उसके बाद में 7/2 h+ω, then 9/2, 11/2 h+ω, then 13 को छोड़ के 15/2 h+ω, क्योंकि एक एक सेल छोड़ के आ रहा है, तो ये था तेरा हाफ रेंज हार्मोनिक पोटेंशियल। आई होप तुझे ये अच्छे से समझ आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है, ठीक है ना, नया टॉपिक है, पूर्ण संभावना है भाई, लाइक ठोक दे तू, बस लाइक ठोक दे, ठीक है ना, उतार लो जी। ओनली ओड वाला भी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, ओके, तू अभी से उतार ले, ठीक है ना, पॉज करके उतार लेना, तुझे एक और बहुत पते की बात, करोड़ों की बात बताने वाला हूँ, एक और बहुत पते की बात बताने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ लाइक ठोक दे बायो वालों, लाइक ठोक दो, तुम्हारे लिए आने वाला है नेक्स्ट वीक, तुम्हारे लिए आने वाली है बायो वालों, लाइक ठोक दो, ठीक है ना, नहीं तो क्या तुम गामा फंक्शन में अड़े रहोगे, गामा फंक्शन में अड़े रहोगे, इंटीग्रेशन में अड़े रहोगे, ठीक है ना, तो इसलिए तुम्हारे लिए पते की बात आई है। देख ध्यान से सुनो अगर मेरा कोई लिमिट ऐसे है -a to +a, यहाँ पे क्योंकि मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाला है, तो सेम ही बात है, अगर कोई यहाँ पे ऐसा वेव फंक्शन है साई डीएक्स डी, अगर ऐसा है मेरा माइनस टू प्लस लिमिट, तो उसे मैं लिख सकता हूँ 0 to a साई डी एक्स, इसे ऐसे ही से लिख सकता हूँ 0 to ∞ साई। अगर माइनस से प्लस है तो नीचे जीरो से लिख कर देगा, बट यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दे, बस इतना ही करना है, ठीक है ना, वैसे तो तुझे इसकी भी जरूरत ना पड़ेगी, लेकिन अगर तुझे जरूरत, तू चाहे तो इसकी भी जरूरत तुझे पड़ सकती है, जो सब तुझे समझ में आए वो कर लेना, ठीक है ना, मैं बताता हूँ। अब मैं मेन बात पे आता हूँ। अब हम फंडा देख रहे हैं कुछ चीजें कैलकुलेट करने के लिए, ध्यान से देख, अगर मैं कहूं मेरे पास इंटीग्रेशन है -∞ to +∞, ये इंटीग्रेशन मेरे पास है, और यहाँ x^2 कुछ भी है, x^n है, e^-cx² है, ठीक है, और (dx) है। अब मैं तुझे बताता हूँ इसे सोल्व कैसे करते हैं। देख मैथमेटिक्स में इसे गामा फंक्शन से सोल्व करते हैं, बट तुझे पता नहीं है गामा फंक्शन क्या है, बताता हूँ, समझ में आएगा।
तो कैसे करना है, गामा फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, और कैसे गामा को खोलते हैं, क्या गामा होता है, सब कुछ बताऊंगा, तू देख लेगा, तू गामा को पूरे गामा को देख लेगा, ठीक है। अब देख यहाँ पे तू क्या करेगा, जितनी भी यहाँ पे एक्स की पावर है उसमें वन एड करके यहाँ पे लिख देगा एन प्लस वन, कोई दिक्कत। यहाँ पे जो एक्स की पावर है वो तू यहाँ लिख देगा टू, आया कुछ समझ में? ओके, बस एक काम कर, अभी देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो इसे यहाँ पे टू भी लिख सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो जीरो से इन्फिनिटी करके यहाँ पे टू लिख सकता है। ओके, अपॉन में फिर से ये टू लिख दे, जो टू यहाँ पे लिखा है टू यहाँ पे लिख दे, और इनटू जो ये सी है यहाँ पे जो भी आएगा कॉन्स्टेंट जो भी आएगा उसकी पावर तुझे ये लिख देनी है, जो भी कुछ आएगी एन प्लस वन बाई टू, ऐसे तुझे करना है, ठीक है। ओके, तो ये दो नहीं लगाना चाहता, ऐसे नहीं करना चाहता, क्योंकि जब तू ये दो लगाएगा तो दो यहाँ पे भी आएगा, ये दो वाला गुना में तो आएगा, ये इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, और ये टू मल्टीप्लाई में आया तो ये तू यहाँ पे रख देगा। ओके, तुम दो नहीं लगाना चाहते, तुम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई टू दी पावर माइनस सी एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही तू करना चाहता है, देख तेरा बोशन में फंक्शन यही तू करना चाहता है, तो सीधा कर, सीधा कर। अब देख ध्यान से, तूने यहाँ पे टू लिखा तो ये टू तूने यहाँ पे लिखा, टू से टू कैंसिल हो गया, ठीक है ना, टू से टू कैंसिल हो गया। अगर तू ऐसे चेंज ही ना कर तो, और ये टू मत लिख तो आ जाएगा तेरा ओनली इसके लिए, तो तू बस क्या कर सीधा एन प्लस वन बाई टू अपॉन सी टू दी पावर एन प्लस वन बाई टू, बस तू इतना कर दे, ठीक है ना, ऊपर वाले को तू भूल जा, ठीक है ना, वो भी थोड़ा सा लंबा मेथड है, तुझे सब सोच से सोच चीजें बताऊंगा, ठीक है ना, बस तू ऐसा लिख दे, लिखा तूने क्या करना है, फिर से देख x टू द पावर माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी रहने, कोई दिक्कत नहीं, x टू द पावर n को लिख दिया n प्लस वन बाई टू, n प्लस वन, n प्लस वन लिख दिया, और ये वाला टू नीचे, फिर c की पावर जो यहाँ पे लिखा है वही, जैसे कि मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन है माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी x स्क्वायर इन टू द पावर माइनस सी अल्फा एक्स स्क्वायर, चल मैं ऐसे चोगे ले लेता हूँ, एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू इन टू डी एक्स, इसे सोल्व करना है तुझे, तो देख गामा फंक्शन, गामा फंक्शन, अब यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या है टू, टू प्लस वन थ्री बाई टू अपॉन सी, क्या है यहाँ पे अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू की पावर थ्री बाई टू, ऐसे सोल्व कर देगा तू, कर देगा रे तू, ऐसे सोल्व कर देगा, हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अब देख गामा फंक्शन को कैसे खोलते हैं, बहुत ही सिंपल है, गामा फंक्शन को खोलते कैसे, ध्यान से देखना, आंख खोल के देखना, आंख खोल के देखना, आंख वाले बटन खोले, अगर तेरा गामा वन बाई टू है तो उसे तू लिखता है पाई, उसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट पाई, गामा वन बाई टू वैल्यू होते हैं अनरूट पाई, गामा वन बाई टू वैल्यू होते हैं अनरूट पाई। अब ध्यान से देख, अब सारे इसके बेस पे खुल जाएंगे, अगर तेरा गामा थ्री बाई टू है, क्या है गामा थ्री बाई टू, तो ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा वन बाई टू रूट, यानी कि इसमें से घटा दे, इसमें से घटा दे वन बाई टू, और फिर वन बाई टू की वैल्यू। ओके ध्यान से देख, अब है पांच बटे दो, इसमें से घटा दे तीन बटे दो, जब तक घटा दे जब तक वन बाई टू ना आए, फिर एक घटा दे वन बाई टू, और फिर वन बाई टू की वैल्यू रूट पाई, चल गामा से वन बाई टू, ठीक है, इसमें से घटा दे पांच बटे दो वन, एक और घटा दे थ्री बाई टू, एक और घटा दे वन बाई टू, फिर वन बाई टू की वैल्यू रूट पाई, ठीक है ना। चल तू एक बड़ा सा ले दे, पंद्रह बटे दो, पंद्रह बटे दो एक घटा दे तेरह बटे दो, एक घटा दे ग्यारह बटे दो, एक और घटा दे नौ बटे दो, एक और घटा दे सात बटे दो, फिर एक और घटा दे पांच बटे दो, देन तीन बटे दो, देन एक बटे दो, और देन अब तुझे पक्का समझ आ गया होगा, आया आया, ओके करोड़ों की बात बता रहा हूँ तुझे, ठीक है ना, लाइक ठोक दे, लाइक ठोक, लाइक ठोक, ठीक है, ओके ध्यान से सुनो, अब तो ध्यान से सुन, अगर तेरे पास कोई कंप्लीट एक इंटीजर आ जाए, इंटीजर जैसे कि गामा चार, तो कुछ नहीं होता है गामा चार, इसे तू क्या कर देगा, गामा चार को कैसे लिखता हूँ वो बताता हूँ, गामा चार को कैसे लिख रहा है, तो गामा चार को बस तू कुछ नहीं करना, तुझे इसमें से एक घटा के और उसका फैक्टोरियल करना है, फैक्टोरियल, अगर जैसे तेरा ए प्लस वन पे गामा है तो इसे तू क्या करेगा ए फैक्टोरियल करेगा, और फैक्टोरियल को तू ऐसे भी लिखता है, फैक्टोरियल को तू ऐसे भी लिख सकता है, तो इसे तू ऐसे भी लिख सकता है गामा थ्री, ठीक है, सॉरी फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है, ये भी फैक्टोरियल का साइन है, ये फैक्टोरियल का, सब तुझे बुझ जा, तुझे तो ये पता है ना, तो ये फैक्टोरियल का साइन है लगा, अब तुझे कह लूँ मैं गामा छः, सॉरी गामा छः, तो गामा छः क्या होगा फैक्टोरियल पाँच, और फैक्टोरियल को कैसे बोलते हैं वो बताऊंगा, गामा गामा सात है, गामा सात है, इसे कैसे बोलेगा बता, फैक्टोरियल छः एक घटा दे फैक्टोरियल लगा दे, अब फैक्टोरियल को कैसे खोलता है वो तो और भी सिंपल है, फैक्टोरियल को कैसे खोलता है वो भी सुन ले, इसे उतार लेना, तू पोज करके उतार लेना, तेरे काम की चीज है, बाय वालो लाइक कर दो, लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो, ठीक है ना। ओके
ध्यान से देखो, अब फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, फैक्टोरियल छह तो देखिए कैसे खोलते हैं, बस एक ही घटाता चल जा, पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक, कब तक ही खोल सकता है? तुझे ऐसे भी सकता है, पांच गुना चार, तुझे तीन पे रोकना है फैक्टोरियल तीन लगा दे, तुझे तीन पे रोकना दो पे रोकना है फैक्टोरियल दो लगा दे, तुझे चार पे रोकना है फैक्टोरियल चार लगा दे, क्योंकि फैक्टोरियल चार फिर से खुल जाएगा तीन गुना दो गुना एक। ठीक है ना, ठीक है ना, उतार लो ऊपर से, समझ आया? सोई 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 सोई, इसे फैक्टोरियल को छह गुना करेंगे, ठीक है, ये फिर इसे ये कम कर देता है, जैसे फैक्टोरियल चार है, फैक्टोरियल चार है तो चार गुना, ओके, फैक्टोरियल तुझे दो खोलना है, फैक्टोरियल दो खोलना है तो इसे क्या करेगा, दो गुना एक, फैक्टोरियल एक खोलना है तो ये तो एक ही रहेगा, ठीक है ना, फैक्टोरियल सात खोलना है तो सात गुना छह गुना पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक, बस ये करता रहो, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, कहीं भी रोक सकता है, फाइव फैक्टोरियल रोक दे, ठीक है ना, फाइव फैक्टोरियल रोक दे, फिर फाइव को भर सकता है, फाइव गुना फोर गुना थ्री गुना टू गुना, कहीं भी तो रोक सकता है, ठीक है ना, तो फैक्टोरियल तुझे समझ में आएगा, काउंट फंक्शन तुझे समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, इसे भी नोट कर ले, इसे भी नोट कर ले, थोड़ा मिस्टेक होगा इसे भी नोट कर ले, ठीक है ना। अब देख तूने एक फॉर्मूला पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के लिए, बस मैं उस फॉर्मूले को दिखाना चाहता हूँ कि तुझे, हाँ वो मैंने कहीं से ऐसे ही उठा के नहीं रखा था, ठीक है ना, ऐसे ही उठा के नहीं रखा था, अब तुझे कोई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हम निकाल के दिखा देते हैं, चलो मैं ग्राउंड स्टेट का ही दिखा देता हूँ, किसका ग्राउंड स्टेट का, तो मैं तुझे सीधा बोन अप्रोक्सीमेशन लगा के दिखाता हूँ, भूल गया बोन अप्रोक्सीमेशन को, तेरा साथी यही तो है नॉर्मलाइजेशन, यही तो करवाता है, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है, क्या होता है साई एन स्टार साई एन डी डॉट इज इक्वल टू वन होता है, ये तो करता है, ठीक है, ओके, क्या किसी चीज से मल्टीप्लाई कर लेता है तो यहाँ पे एन स्क्वायर आ जाएगा, ये तो करता है, ओके, सर तू ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन ले लेगा, क्या होता है ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन, एन एच एन का वैल्यू तो बन जाता है उस ग्राउंड स्टेट के लिए, ये जो वन माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये वेव फंक्शन होता है, इसे यहाँ पे ले ले, एन की मल्टीप्लाई क्योंकि क्योंकि मुझे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो एन लिख लेता हूँ, तो एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आगे बता क्या करना है तुझे, ओके वेव फंक्शन रख दे, वेव फंक्शन रख दे, ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वन इंटू डी एक्स, चल एन स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा टू आ जाएगा, टू से टू कर जाएगा, ये क्या आ जाएगा ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वन, ये तो तुझे सोल्व करना है, ये तो सोल्व करना है, कर दे इसे सोल्व, कैसे सोल्व करेगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो जीरो मान सकता है, इसे सोल्व करना तुझे आते ही एन स्क्वायर, इसे सोल्व करने के लिए क्या करना है, गामा जीरो प्लस वन वन बाई टू अपॉन अल्फा, यहाँ पे अल्फा बचाना अल्फा की पावर वन बाई टू, ठीक है इज इक्वल टू वन, ये तुमने इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया, ये तुमने इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया, तो ये आ गया एन स्क्वायर इंटू गामा वन बाई टू की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट पाई अपॉन, ये आ गया अल्फा अंडर रूट पाई को पाई की पावर वन बाई टू ही लिख दो वन बाई टू और नीचे अल्फा की पावर वन बाई टू इज इक्वल टू वन, अब देख एन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है इसे इधर ले जाए तो अल्फा अपॉन पाई की पावर वन बाई टू, ओके एन निकालना है तो अनरूट कर दे इसका फिर से तो जाएगा अल्फा अपॉन पाई की पावर वन बाई टू की पावर वन बाई टू मीन्स वन बाई फोर, यही तो आता था ग्राउंड स्टेट के लिए नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, तो देख मैंने नॉर्मलाइज ग्राउंड स्टेट लिए उसके लिए नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट निकाल दे, यही तो निकालता था फॉर्मूले से, क्या था तेरा फॉर्मूला, फॉर्मूला तो याद होगा, भूल गया फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, वन अपॉन टू की पावर एन फैक्टोरियल, ऐसे देख मैंने फैक्टोरियल मात्र लिखा, टोटल की पावर वन बाई टू अल्फा अपॉन पाई की पावर वन बाई फोर, ये था ना सिंपल, चल तू कह रहा है ग्राउंड स्टेट के लिए तो कोई भी निकाल दे सर जी, कौन से निकाल के दिखाओ, तुम क्या जानो मास्टर बाबू स्टेट का सवाल नहीं, दिखाता हूँ भाई मैं तुझे दिखाता हूँ, चल फर्स्ट एक्साइज स्टेट का दिखाता हूँ, फर्स्ट एक्साइज स्टेट का वेव फंक्शन ले,
एच एन की वैल्यू क्या होगी, एच वन की टू जीटा पी टू दावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स है तो एक्स की फॉर्म में इसे लिख ले अल्फा एक्स की फॉर्म में एन एंड टू रूट अल्फा लिख सकता हूँ, टू रूट अल्फा एक्स पी टू दावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टू, कोई दिक्कत चल रख दे एन स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके तो एन स्क्वायर बाहर आ गया, ये दो टू इंटू टू फोर और ये हो जाएगा फोर, बाहर ही लेता हूँ सब कुछ एन स्क्वायर, ये हो जाएगा टू टू द फोर और अल्फा इंटू अल्फा अल्फा आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ई टू दावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वन, फिर आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू फोर अल्फा। ओके इसे सॉल्व कर, गामा थ्री बाई टू अपॉन अल्फा की पावर थ्री बाई टू इक्वल टू वन, एन स्क्वायर इंटू फोर अल्फा गामा थ्री बाई टू के लिखेंगे वन बाई टू रूट पाई, रूट पाई को लिख लिया अल्फा की पावर वन बाई टू अपॉन सॉरी पाई की पावर वन बाई टू अपॉन अल्फा की पावर थ्री बाई टू इज इक्वल टू वन, एन स्क्वायर इंटू देखिए यहाँ पर देख फोर अल्फा, अल्फा की पावर वन है नीचे, अल्फा की पावर थ्री बाई टू है, अल्फा की पावर डेढ़, अल्फा की पावर वन, अल्फा की पावर डेढ़, अल्फा की पावर वन ऊपर आएगी तो अल्फा की पावर माइनस हाफ मीन्स अल्फा की पावर हाफ नीचे बचेगी तो क्या जाएगा फोर, जब तू टू से फोर काटेगा तो टू आ जाएगा, ध्यान से देखा ये अल्फा की पावर कट गई तो आ गया एन स्क्वायर इंटू टू पाई की पावर हाफ अपॉन अल्फा की पावर हाफ इज इक्वल टू वन, जब एन स्क्वायर निकालेगा तो ये इधर जाएगा अल्फा की पावर वन बाई टू पाई की पावर वन बाई टू और टू, जब एन निकालेगा तो पूरे का रूट कर देगा वन बाई रूट टू अल्फा अपॉन पाई की पावर वन बाई टू, ये तो आता है ऐसे तूने एन वन निकाला तो एन टू निकाल सकता है, जब एन टू निकालेगा तो आएगा वन बाई टू रूट टू अल्फा अपॉन पाई की पावर वन बाई फोर, इसे तो सॉल्व करना सॉल्व करके देखना ऐसे छोड़ देना ठीक है, उतार ले नोट कर ले कभी बाद में देगी सर ने तो उतारने भी ना दिया ठीक है, समझ में तो आता नहीं उतारने भी ना दिया ना टोंट नहीं मार रहा हूँ, टोंट नहीं मार रहा हूँ बस ऐसे ही मजाक नहीं कर रहा हूँ जस्ट क्यों ओके ओके मैं गिलास वाटर पी जाता हूँ, गला सूख गया है गला बैठ गया है ओके आगे भी ठीक है उतार लिया तुमने हाँ भाई पता है तुझे यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है ठीक है, तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तू भी तेरी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तू लाइक हो गया तो बस तू सब्सक्राइब कर दिया करो, तू उससे कुछ नहीं चाहिए ठीक है, टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है और तुम हो गया तुम लोग लाइक से सब्सक्राइब कुछ नहीं करते हो ना कोई कमेंट करते हो, कम से कम यही कमेंट कर दिया करो कि जिस हमने यारा बजा नहीं पढ़ाते वैसे तो कह दिया कर, ये तो तू सोचता रहता है यही कह दिया कर। चल नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्थोगोनैलिटी, तू जानता है जितने भी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स होती है सब ऑर्थोनॉर्मल होती है, क्या होते हैं सब ऑर्थोनॉर्मल होते हैं, चल मैं यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी चेक कर रहा हूँ, जैसे कि उसने क्वेश्चन दिया उसने कहा कि जो साई टू है और ग्राउंड स्टेट साई नोट है बता ये दोनों ऑर्थोगोनल है वो प्रूव कर ठीक है ना, सब ठीक है ना, प्रूव करने का पेपर में नहीं आएगा, नहीं अरे पेपर नहीं आएगा बस मैं तुझे बता रहा हूँ ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो साई टू रखेगा स्टार लगेगा ठीक है ना, और साई नोट रखेगा डी एक्स रखेगा ठीक है ना, यही तो तुझे सॉल्व करना है, अगर ये जीरो आ गया तो ऑर्थोगोनल है नहीं तो ये नॉर्मल है अगर वन आ गया तो ठीक है ना, तो चल तू इसे सॉल्व कर दे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक तो तू देख ऐसे ही देख सकता है ऐसे कुछ नहीं देख सकता तू ठीक है, तू यहाँ पे चल सॉल्व कर, साई टू क्या होता है साई टू होता है जी लिखो साई टू लिख देता हूँ साई टू वन बाई टू रूट टू अल्फा की पावर वन बाई फोर अल्फा अपॉन पाई की पावर वन बाई फोर फोर जीटा स्क्वायर माइनस टू ई टू की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये होता है भाई तेरा साइन
ठीक है सर, मैं नीचे लिख लेता हूँ बिल्कुल। तो ये कॉन्स्टेंट तो तू बाहर ले ले, 1/2 √2 अल्फा पाई पाई स्क्वायर 1/4, ठीक है ना, ये तो बाहर ले ले। और यहाँ पे लिख ले तू 4 जीटा स्क्वायर को तू लिख सकता है रूट आर जीटा को लिख सकता है रूट अल्फा एक्स, तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर -2 तो ये लिख सकता है, ठीक है ना। और तुझे फिर साइन आउट लिखना है, साइन आउट में फिर से अल्फा की अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/4 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। और एच जीरो पान होता है इंटू ई टू दावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये लिख लेगा। चलो 1/2 √2 अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/2, चल इसकी गुणा करते, इसकी मल्टीप्लाई कर, इससे जब तू मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा तेरा ये, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई में कर ले तो 4 अल्फा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया -2 ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, ठीक है ना। ओके ओके चल ठीक है। तो अब इसे ऊपर लिख दे, ऐसे ऐसे ही ऊपर लिख दे, ऐसे कैसे तू ऊपर लिख दे, तो ये जाएगा 1/2 √2 अल्फा कौन पाई की पावर 1/2 4 अल्फा, इसे सॉल्व करना है तो गामा 3/2 अपॉन अल्फा की पावर 3/2, ठीक है ना, -2 इसे क्या कहेगा, अरे भाई ये माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी है, ठीक है ना, फिर कहेगा यहाँ तो लिमिटी ही है, ठीक है ओके। यहाँ एक्स की पावर 0 है तो इसे लिख सकते हैं गामा 1/2 अपॉन अल्फा की पावर 1/2, इसे कैसे करेगा, अल्फा की पावर 1/2 नीचे बच जाएगी ओके, और इसे लिख देगा तू गामा को 3 √3/2 को लिख देगा 1/2 √π, ठीक है, 1/2 से 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/2 माइनस ये क्या आएगा, ये भी आपका इसका रूट पाई आ जाएगा, तो पाई अपॉन अल्फा की पावर 1/2, यहाँ पे भी तो पाई अपॉन अल्फा आएगा, देख भाई 2 पाई अपॉन अल्फा की पावर 1/2 2 पाई अपॉन अल्फा कैसे 0 आ जाएगा आंसर। तो मीन्स ये वे फंक्शन क्या हो गए, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो गए, ठीक है ना, एक दूसरे के क्या हो गए, ऑर्थोगोनल हो गए। ऐसे ही तू कैलकुलेट कर सकता है, साई वन साई टू के लिए कैलकुलेट करना, ठीक है ना, कुछ अपने आप ही कर लेना, साई वन साई टू की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है ना, साई वन साई थ्री की कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, ये सब कर लेना तू। तो आई होप तुझको ये लेक्चर समझ में आया होगा, लेक्चर बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना। और दिस बस प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, एंड अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो। ओके थैंक्स, बाय बाय।